मध्य प्रदेश का एक जनजातीय गौरव, मध्य प्रदेश का एक जनजातीय क्रांतिकारी, जिसने अपने पुत्र को यह आदेश दिया था कि तुम मेरे साथ चलकर अंग्रेजों का सामना करोगे, अंग्रेजों से युद्ध लड़ोगे, और उस युद्ध में एक पुत्र अपने पिता के सामने वीरगति को प्राप्त हो जाता है और पिता के चेहरे पर एक शिकन भी नजर नहीं आती, पिता के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई देती है तो सिर्फ क्रांति। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मालवा और निमाड़ क्षेत्र का एक क्रांतिकारी जिसका नाम था ख्वाजा नायक, जिसने भीमा नायक के साथ मिलकर क्रांति में अंग्रेजों के दांत गौठले कर दिए थे और अंग्रेजों को उन्हें पकड़ने के लिए लगभग 1,000 रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा था। ये बात 1850 के लगभग की है, जब 1,000 रुपए की कीमत कितनी होती थी। अगर देखा जाए तो ख्वाजा नायक अंग्रेजों की हुकूमत में चौकीदार की नौकरी करते थे। वो मालवा क्षेत्र के सेंधवा जामली चौक से सिरपुर चौक तक लगभग 24 मील की चौकीदारी किया करते थे। वे बड़ी ही शांत प्रवृत्ति के थे, पगड़ी लगाते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते थे। अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे। एक दिन अचानक उनके क्षेत्र में चोर चोरी करके भाग रहा था, जिसके बाद उन्होंने उस चोर को पकड़ने का प्रयास किया और चोर के ऊपर हमला किया। चूंकि शरीर में बलवान थे, बलिष्ठ थे, जिसकी वजह से हमले के बाद उस चोर की मौके पर मौत हो जाती है। मौत के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और कानून को अपने हाथों में लेने की वजह से, एक जुर्म की वजह से उन्हें 10 साल की सजा सुना दी जाती है। कि उनका जीवन अनुशासित था, शांत स्वभाव के थे, सभी से अच्छा व्यवहार था, जिसकी वजह से उनकी सजा 10 साल से कम करके 5 साल कर दी जाती है। लेकिन रिहा होने के बाद उनके मन में अंग्रेजों के प्रति क्रोध रहता है। उनका ये मानना था कि जिन अंग्रेजों के लिए मैंने लगभग 20 साल ईमानदारी से नौकरी की है, आखिर में उन्होंने मुझे जेल की सलाखों के पीछे रख दिया था। जिसके बाद ख्वाजा नायक बड़वानी पहुंचे। बड़वानी में उनकी मुलाकात होती है जनजातीय गौरव और जनजातीय क्रांतिकारी भीमा नायक से। भीमा नायक रिश्ते में ख्वाजा नायक के बहनों ही लगते थे, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए और मिलकर एक सेना बनाई। उस सेना में भील और गौड़ जनजातीय लोग शामिल हुए, जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ख्वाजा नायक और भीमा नायक की जोरदार जोड़ी बनी और इस जोड़ी ने पूरे मालवा और निमाड़ क्षेत्र में लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े कर दिया। सन 1858 अप्रैल का महीना था, जब अंग्रेजों की सेना ने भीमा नायक और ख्वाजा नायक की सेना को चारों ओर से घेर लिया था। उस समय ख्वाजा नायक और भीमा नायक युद्ध करते हैं और ख्वाजा नायक अपने पुत्र पलत सिंह को यह आदेश देते हैं कि उठो और अंग्रेजों का सामना करो। वीर दौलत सिंह ने पूरी दम से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन अंग्रेजों की सैनिक और अंग्रेजों के पास सारे के सारे हथियार आधुनिक थे। ख्वाजा नायक और भीमा नायक की सेना अपने पारंपरिक हथियारों के साथ युद्ध लड़ रही थी, जिसके बाद युद्ध के चलते ख्वाजा नायक का पुत्र दौलत सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अपने पुत्र के वध की खबर सुनने के बाद ख्वाजा नायक के चेहरे पर इतनी सी शिकन भी नहीं आती। हमेशा ख्वाजा नायक का यह कहना था कि हमें सिर्फ अपने देश को इन फिरंगियों से आजाद कराना है। जिसके बाद घनघोर युद्ध हुआ और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने एक बार फिर से अपने चालाकी का पैतरा आजमाया, जिसके बाद कर्नल जेम्स आउटम ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी हत्या कर दी। जिसके बाद एक और महान जनजातीय क्रांतिकारी भारत के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।